आदरणीय पालकगण सादर नमस्कार। आज इस वीडियो पर मैं आपसे दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं बच्चों की निमित्तता के बारे में, बच्चों की प्रेग्निटी के बारे में। देखिए, जून से मैं लगातार आपसे संपर्क में हूं, लगातार आपको COVID-19 की भयावहता से परिचित करवाता रहा हूं और जून ऑनवर्ड्स मेरा यह प्रयास रहा है कि सभी बच्चे एजुकेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे पूरी तरह से रेगुलर। लेकिन आज भी लगभग 7 माह बीत जाने के बाद भी जब मैं अपनी इस सफलता का प्रतिशत देखता हूं तो नियर अबाउट 50%, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। यकीन मानिए, इस वर्ष में जो भी बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर एक्टिव नहीं है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है, वो बच्चा चाहे नर्सरी कक्षा का हो या बच्चा 12th कक्षा का, उन सभी बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना है अगले एकेडमिक सेशन में। यकीन मानिए, आपकी जो सोच है कि एक वर्ष से क्या फर्क पड़ता है, नहीं, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इस जीवन में एक एक सेकंड का महत्व है और जीवन की रेस में एक सेकंड के 100वें हिस्से का भी बहुत बड़ा महत्व है। फिर यहां तो बात हो रही है पूरे एक वर्ष की, पूरे 365 डेज की। देखिए, कई घरों में जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही एजुकेशन के मामले में बहुत ही पोरर सा हो गया है, इवन एक तरह से गिव अप कर दिया है, एक तरह से छोड़ दिया है। कई स्कूलों ने भी यही किया है, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका स्कूल लगातार इस प्लेटफॉर्म पे एक उत्कृष्ट कार्य बिना रुके निरंतर अप्रैल ऑनवर्ड्स करता चला रहा है। लेकिन आज भी उसका हम लाभ उठाने वाले बच्चों का परसेंटेज देखते हैं, लाभ उठाने वाले पालकों का प्रतिशत देखते हैं, तो भाई बहुत ही चिंता का विषय है। और इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे अप्रैल ऑनवर्ड्स बहुत रेगुलर हैं, वो नर्सरी में है, केजी वन में है या फर्स्ट सेकंड किसी कक्षा में, एनी क्लास की नर्सरी टू 12th, वो बच्चे बहुत उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं और ओवरऑल उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशनल डेवलपमेंट, वो बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएबल है। और डेफिनेटली ऐसे सभी बच्चे अगले सत्र में बहुत आगे निकलने वाले हैं अपने क्लासमेट से। तो अब लास्ट फेज में हम लोग चल रहे हैं। कोविड की कंडीशन क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक सभी कुछ फिर से बंद कर दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास जनवरी है और फरवरी है, फरवरी फॉर द रिविजन पर्पस, जनवरी फॉर मैनी क्लासेस प्रैक्टिकल पर्पस। तो भाई ओवरऑल आप ये कहना उचित होगा कि भाई एजुकेशन का जो मैक्सिमम समय था 75% to 80% जा चुका है, 20% स्टिल रिमेन। तो मेरा आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि प्लीज इस प्लेटफॉर्म पर अब लास्ट फेज चल रहा है, आप स्कूल के द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को रेगुलर करें। दूसरी बात जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, देखिए इन क्रिटिकल परिस्थितियों में जहां एकेडमिक इस स्कूल को एकेडमिक रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए जिस तरह से एक टीम के रूप में एमएमपीएस का पूरा स्टाफ कार्य कर रहा है, वो लगातार जून से एक जैसा कार्य कर रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल्स है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी ने यह घोषित कर दिया है कि हर स्कूल ट्यूशन फीस
अप्रैल ऑनवर्ड्स ले सकता है। आप कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी से भी इस बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुका है, इवन लॉकडाउन का जो पीरियड है वहां की फीस भी स्कूल ले सकता है। लेकिन हमने हमेशा हमारे पालकों से विनम्र अनुरोध किया है, हमेशा सहयोग की अपेक्षा की है। हमने जो लॉकडाउन पीरियड था उसका शुल्क हमने ऑलरेडी माफ किया है और लगातार हम पालकों से केवल सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, सहयोग का ही निवेदन कर रहे हैं और आज भी आपसे सहयोग का ही निवेदन है। लेकिन देखिए, जिन पालकों ने हमें प्रारंभ से सहयोग किया था उनमें से भी कई पालकों ने अब सहयोग देना बंद कर दिया है। हमने केवल आप लोगों से यही निवेदन किया है कि भाई इतनी बड़ी लॉबी को हम लोग चला रहे हैं, ये एक मेरा इंडिविजुअल सर्वाइव करने का, मेरी फैमिली को सर्वाइव करने का प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है सिस्टम को बचाने का, ये प्रश्न चिन्ह है इतने बड़े स्टाफ को कंटिन्यू रखने का। कोशिश हमारी जारी है, लेकिन वर्तमान में जो पालकों का सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। शायद पालक कहीं एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें स्कूल को सहयोग नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, जो भी आप निर्णय लेंगे वो उचित रहेगा। लेकिन कृपया जो भी निर्णय लें उसके पहले महेश मेमोरियल की तुलना प्लीज अन्य संस्थाओं से ना करें। यहाँ के आप कार्य को देखें, यहाँ के स्टाफ को के डेडिकेशन को आप देखें और प्लीज उसके बाद ही निर्णय लें। हमारी कोशिश लगातार जारी है इस प्लेटफॉर्म पे बने रहने की और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने की। हम लोग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस कार्य को निरंतर जारी रखे हुए हैं। लेकिन हो सकता है अगर इसी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस बने रहे, आगे इस तरह से और क्राइसिस हमको यदि फेस करना पड़े, तो हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे चाहने के बाद भी ना चल सके, क्योंकि इस ये प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा है। हम इसको जून से खींच रहे हैं, लेकिन एक हमारी भी ताकत है, मैंने वादा किया है, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को लगातार आगे लेके जा रहा हूं। लेकिन मुझे भरोसा था उन पालकों पर जिन्होंने प्रारंभ में हमको सहयोग प्रदान किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हीं पालकों में से कई पालकों को ये लग रहा है कि नहीं, हमें स्कूल की मदद नहीं करना चाहिए। तो भाई कहीं ना कहीं ये सही नहीं हो रहा है और उस स्थिति के अंदर हो सकता है कि ये चलता हुआ सिस्टम कभी भी बंद हो जाए। कोशिश जारी है, कोशिश करेंगे अंतिम समय तक इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल बंद ना होने दे, क्योंकि अभी हमारी हाफ ईयरली एग्जाम बाकी है, उसके बाद हमारी PT3 की एग्जाम बाकी है, प्री बोर्ड एग्जाम भी बाकी है, एनुअल एग्जाम भी बाकी है। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, आशा है आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। महेश मेमोरियल के कार्य को आप देखेंगे और उसके बाद एक उचित निर्णय लेकर आप संस्था की मदद करेंगे। धन्यवाद। सिखाए तुझे दौड़ना।